बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। पंद्रह जीवन निष्फल जान प्रेम बिन। जीवन निष्फल जान प्रेम बिन। जीवन निष्फल जान प्रेम बिन। जीवन निष्फल जान। ऋषि मुनि सब संत कहत यह शास्त्र वेद पुराण। प्रेम बिन जीवन निष्फल जान प्रेम बिन। जीवन निष्फल जान। प्रेम बिना है निष्फल जप तप तीरथ विरत स्नान। करम धर्म यज्ञ योग प्रेम बिन वृथा संयम दान। प्रेम बिन जीवन निष्फल जान। प्रेम बिन जीवन निष्फल जान। प्रेम बिना है निष्फल जग में खान पान पहनान। जाति पाति कुल भेख पंथ सब वृथा महल मकान। प्रेम बिन जीवन निष्फल जान। प्रेम बिन जीवन निष्फल जान। प्रेम बिना है निष्फल पढ़ना पूजा अर्चना श्रवण सुमरण कथा कीर्तन वृथा सब गुण ज्ञान। प्रेम बिन जीवन निष्फल जान। प्रेम बिन जीवन निष्फल जान। प्रेम बिना सब साधन फीके जीना मृतक मान। कहते हूँ ताते मन में प्रेम धार प्रधान। प्रेम बिन जीवन निष्फल जान। प्रेम बिन जीवन निष्फल जान। राग टोली भजन पंद्रह। प्रेम बिन जीवन निष्फल जान। ऋषि मुनि सब संत कहत यह शास्त्र वेद पुराण। जिसके जीवन में प्रेम नहीं उसका जीवन निस्सार है। प्रेम परमात्मा का सुख पहुंचाने वाला है। जगत का प्रेम दुख देने वाला है। तो जिसके मन में ईश्वरीय प्रेम नहीं उसका जीवन निष्फल है। प्रेम के बिना जप तप तीर्थ व्रत स्नान जितने भी शुभ कर्म है अगर मन में भावना और प्रेम नहीं तो वो सब व्यर्थ है। कर्म धर्म यज्ञ योग प्रेम बिन वृथा संयम दान। प्रेम के बिना ये सारे कर्म दान संयम करना कर्म धर्म यज्ञ इत्यादि करना वो सब व्यर्थ है।
प्रेम बिना है निष्फल जग में खान पान पहरान। संसार का व्यवहार भी प्रेम के बिना निष्फल है। जाति पाति कुल भीख पंत सब वृथा महल मकान। कितना भी सांसारिक वैभव एकत्रित कर ले, महल मकान बना ले, कितना भी भेख पहन ले, पाखंड कर ले, ऊंची जाति का कहलाए, लेकिन मन में अगर ईश्वर का प्रेम नहीं तो ये बाहरी आडंबर किसी काम के नहीं। प्रेम बिना है निष्फल पड़ना पूजा अर्चन ध्यान। नाना प्रकार की पूजा पाठ आराधना ध्यान ये सब अगर ईश्वरीय प्रेम नहीं, मन में भावना नहीं तो निष्फल है। श्रवण सुमरण कथा कीर्तन वृथा सब गुण ज्ञान। ये जितने भी बाहरी साधन है, श्रवण करना, सुमरण करना, कथा कीर्तन में बैठना, अगर मन के अंदर भाव नहीं, भावना नहीं तो ये बाहरी आयोजन निष्फल हो जाते हैं। प्रेम बिना सब साधन फीके, जीना मृतक जान। जितने भी साधन है बिना प्रेम के सब फीके हैं, निष्फल हैं। जीवित मनुष्य मृतक के समान है। इसलिए गुरु महाराज जी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि ईश्वर की प्रेम की ज्योत अपने हृदय में जगाओ, प्रेम को धारण करके फिर सब कर्म उपासना ध्यान योग यज्ञ जप तप ये सब तुम्हारे सफल हो जाएंगे। लेकिन मन में प्रेम रखो, भाव रखो और श्रद्धा रखो। अमरापुर बाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेउ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेउ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार, सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश,
उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दोहावली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।